नाम मलखराज है, मैं उनका भाई बोल रहा हूँ, क्योंकि जाना था काम पे केला मोड़ पे, तो इसकी डेड बॉडी मिली है चंद्रकोट में। मुंशी को फ़ोन किया, उन्होंने कहा मुझे डेड बॉडी मिली है भाई इधर, तो आप रामण के लिए आ जाओ। घर से निकले थे आतवार को 4 तारीख को, तो 5 को हमें परमिशन मिलती है। झगड़ा झुगड़ा तो कोई नहीं था सर, घर का कोई परेशानी तो घर की इसकी कोई भी नहीं थी, तो पुलिस ने कहा कि फांसी लग के मर गया, क्योंकि वो ही कहता हूँ कि अगर सना सर से आया है तो जाना, इसने केला मोड़ में था तो उधर क्यों नहीं हुआ, ऐसे इधर फांसी लग गई, इधर चंद्रकोट में कैसे आया है, कार्रवाई तो होना चाहिए सर इसकी, कैसे हुआ हमारी समझते तो बाहर हो गई ये बातें कि वहाँ नाले में इसने किस लिए जाना था। तो ये कल घटना हुई चंद्रकोट के, मैं तो वास्तव में ये मेरे मामू जी के बेटे हैं, अचानक से कल हमें शाम को पता लगता है कि भाई ऐसा ऐसा हादसा हो गया, तो ऐसा तो कोई कहते हैं कि भाई अगर इसने फांसी लगाई तो या कैसे, तो ऐसा कोई मसला नहीं था, घर में कोई लड़ाई झगड़ा तो ये करते नहीं, सबसे बड़े थे। कहने का मतलब ये है कि घर में समझो कि ये बात करते थे को फाइनल होती थी, कि इसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करें और इसके अंत तक जाएं, जड़ों तक जाएं कि कहां कहां इसको क्या परेशानी थी, इसके परिवार को ही पूछें। पुलिस का मुझे फ़ोन आया था कि कोई डेड बॉडी कोई उनको चंद्रकोट से मिली है, और रात को डेड बॉडी कोई 8 बजे करीब हमारे पास आई है, और सुबह हमने कोई 10 बजे के करीब उनका पोस्टमार्टम शुरू किया है, और जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं पोस्टमार्टम की वो सारी पूरी हो चुकी हैं, और उनके ऑर्गन्स जो हैं वो हमने फ्रांसिस साइंस लैब में जो थ्रू पुलिस हमने भेज देने हैं, फिर देखते हैं क्या रिपोर्ट आती है, और फाइनल ओपिनियन के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। नील चंद जी हैं और सना श्री बी डी राम जी हैं, और एज इनकी 42 है, और सना सर के रहने वाले हैं, और हमें जो डेड बॉडी मिली है वो पुलिस स्टेशन चंद्रकोट से मिली है।